नमो आयरियाण नमो उभयचायाण नमो लोये सर्वसामुनं येशो पञ्चनमुकारो शव पाव प्रणासनो मलांच सर्वे ओये मंगलम् बर्हि सर्वाहु बलि अभय कुमारो अदंडन कुमारो चिरियो अर्णिया उत्तो अयमुत्तो नागदत्तोय मेय जथुली बद्धो वयररेषि नन्दीसेन सिंहगिरि कयवन्नो वसुकोशल पुण्डरीको आध्यात्मिक त्रिफला के प्रथम विभाग में बरहेश्वर बाहु परिसज्जाय अंतर्गत सौ जितने महापुरुष एवं महासतियों के जीवन प्रसंग क्रमशः हम देख रहे हैं। कल हम किनका दृष्टांत सोच रहे थे? थूली भद्र स्वामी मेयज थूली भद्दो करीब आधा दृष्टांत कल देखा है, बाकी का आज अभी देखना है। पार्ट वन देखा, पार्ट टू अभी शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या देखा, क्या समझा? चक्राल मंत्री पाटलिपुर में उनको दो बेटे सात बेटियां, बड़ा थूलीभद्र जो 12 साल तक रूप कोशिया के वहां था, और इधर पिताजी की जब अपमृत्यु हुई षड्यंत्र के द्वारा, और तब फिर श्रीयक मंत्री बना है, थूलीभद्र को मंत्री पद लेने के लिए राजा ने निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने तो फिर दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गुरु महाराज की खूब सुंदर विनय वैयावत सेवा भक्ति करके गुरु कृपा को प्राप्त इतना कर लिया कि जिसके द्वारा उनका मन एकदम ब्रह्मचर्य में स्थिर हो गया। नहीं तो भुक्त भूभोगी आत्मा होता है, उसको बार बार अपना भूतकाल का संसार याद आया करता है, मन उनका विचलित चल विचल होने लगता है। लेकिन यहाँ पर गुरु कृपा के द्वारा उनका मन एकदम अंतर्मुख हो गया। इतनी उन्होंने आत्म साधना की, शरीर से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव कर लिया। आत्मा का जो सहज पवित्र आनंद है, आनंद उनका ऐसा आस्वाद कर लिया कि चतुर्मास आने पर चार मुनिवर, उनमें से तीन मुनिवरों ने, किसी ने सिंह गुफा के पास चतुर्मास करने की आज्ञा मांगी, किसी ने सर्प के बिल के पास, और किसी ने कुएं की धार पर खड़ा रह करके चतुर्मास करने की आज्ञा मांगी। और थूलीभद्र स्वामी ने क्या किया, रूप कोशा के बाद उसकी चित्रशाला में रह करके चतुर्मास करने की आज्ञा मांगी। गुरु भगवंत ने सभी की योग्यता देख करके उनको आशीर्वाद पूर्वक अनुज्ञा दी। चार महीने पूरे हुए, सभी ने अपना चतुर्मास निर्विघ्नता से किया था। बाकी के तीन मुनिवरों में के जीवन में भी इतने मैत्री भाव था कि जहरीले सांप ने अथवा तो सिंह ने भी उनको कुछ किया नहीं, और वो कुएं की धार पर खड़े रहने वाले मुनि वो भी इतने अप्रमत्त थे, सावधान थे, जागृत थे कि कभी ऐसा नींद का झोंका भी नहीं आया, कभी कुएं में भी घिरे नहीं। तो गुरु महाराज ने इन तीन सबको क्या कहा, दुष्कर कारक का आपने बहुत कठिन कार्य किया है, धन्यवाद, ऐसा करके उनकी क्या की उपभृंगना। वो अच्छा कार्य करता है ना, उसको हम शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं शास्त्रीय शब्द में, उपभृंगना, प्रोत्साहित करने का उपभृंगना, ये शास्त्रीय शब्द ख्याल रखना। और थूलीभद्र स्वामी चार चार महीने रूप को शाके वहां लेकर के आए सब, फिर भी बिल्कुल निर्विकार रहे, और इतना ही नहीं उसको भी प्रतिबोधित करके 12 व्रतधारिणी श्राविका बना दिया। और वो जब चतुर्मास करके वापिस आते हैं तो गुरु माँ ने उनको कहा क्या, दो या तीन बार दुक्कड़ दुक्कड़ कारक माने, तुमने तो बहुत बहुत कठिन कार्य किया है, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ज्यादा उनकी अनुमोदना और वृंगना की। तो मानव सुलभ अनादि काल के कई प्रकार के दोष हमारे में रहे हैं, उसमें अहंकार की जो दो बेटियां, अहंकार की दो बेटियां जुड़वा बेटियां हैं, उनका क्या नाम है, ईर्ष्या और दूसरा निंदा। ईर्ष्या होती है वह निंदा भी साथ में तुरंत आ ही जाती है,
जिसके प्रति ईर्ष्या होती है उसके छिद्र जीव देखता है, छोटे छिद्र को इतना बड़ा बना करके बाहर प्रचार करता है। यहाँ पर वो तीन मुनियों को खास करके इसमें भी विशेष प्रकार से जो सिंह गुफावासी मुनि थे उनको ज्यादा ईर्ष्या हुई। उनको हुआ कि माल बलिदा खाना, ऐसे आलिशान चित्रशा वाले रहना, नाच मुझे गान देखना, और इसमें क्या बड़ी बात है, इसको क्यों दुष्कर दुष्कर कहा। इसीलिए जब दूसरा चतुर्मास आया तब वो सिंह गुफावासी मुनि उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज से आज्ञा लेने की कोशिश की, गुरुदेव मुझे भी रूप कोषा की चित्रशाला में चतुर्मास करने की आज्ञा दी। गुरुदेव तो समझ गए, ज्ञानी थे, कि वो उसकी स्पर्धा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उनमें इतनी योग्यता नहीं देखी। सिंह गुफा के पास कर चतुर्मास करने की आज्ञा दी, उसके लिए उनके हृदय में मैत्री भाव, निर्भयता वो सब देखा, इसलिए उसके लिए अनुज्ञा दी। लेकिन इधर चित्रशाला में और चतुर्मास करने की आज्ञा नहीं दी, ना बोला बेटा तू रहने दे, तू उसकी होड़ मत कर, इसमें तुम्हारा हित नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, बार 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 आग्रह करके विनती करते ही रहे, तो फिर गुरु महाराज को मौन रहना पड़ा और वो बस फिर चले गए चतुर्मास। कहा जाता है कि जैसे वहां पहुंचे धर्मला कह के तो रूप को समझ गई तो उनकी स्पर्धा के लिए आए हैं, नाराज यहाँ धर्मलाभ का काम नहीं है, यहाँ किसका धर्मलाभ, धर्म धर्म माने द्रव्य पैसे, उस जमाने में जो भी चलन होगा, रुपए नहीं थे, जो भी चलन होगा वो धर्म वगैरह होते थे, तो ये धर्मलाभ महाराज बोलो तुम्हारे पास ये है, वो तो देखते ही पहले बॉल में क्लीन बॉल कभी कभी हो जाते हैं कि नहीं मैच के अंदर, हाँ तो देखते उनका रूप देखते ही इतना मुग्ध हो गए कि बस विचलित हो गए और अनुचित प्रार्थना भी करने लग गए। तो फिर उपोषा ने कहा अगर मेरे साथ रहना है तो आपको क्या मेरे हमें तो धन, मुझे तो धन चाहिए, तो इसीलिए वो कहते हैं मैं तो साधु हूं, मेरे पास धन तो नहीं है, तो एक काम कर सकते हो कि नेपाल देश में वहां का जो राजा है, अभी कौन सा राजा है मालूम नहीं है, कुछ मौली का सब नाम है जो भी हो, तो नेपाल देश का राजा उसको उसका रोज प्रातः काल में सुबह जो सबसे पहला दर्शन करता है, आशीर्वाद देता है और वो अगर प्रसन्न होता है तो उसको वो रत्न कंबल बहुत बहुमूल्य 1,25,000 सोना मुहर, इतनी बहुमूल्य वो होता है रत्न कंबल। उसमें क्या गुण होते हैं, शीत काल में ओढ़ो ना रत्न कंबल को तो ठंड नहीं लगती है, गर्मी में ओढ़ो ऐसे काल में तो ठंड लगती है आराम से, और चतुर्मास में उसको ओढ़ लो तो बारिश नहीं लगती है, जैसे रेनकोट हो गया, इस प्रकार के उसमें गुण थे और बहुमूल्य थी वो, तो वो लेके आओ फिर आगे बात होगी। तो देखो जीव जब विषय में अंदर अंध बनता है फिर वो क्या नहीं करता है, हाँ साधु होते हुए भी, पंच मार्गदारी होते हुए भी, चतुर्मास में बारिश गिर रही है फिर भी, कहा नेपाल कितना दूर पाटलिपुत्र से, हाँ वो पैदल चल के जाते हैं रास्ते में बारिश हुई होगी, कीचड़ हुआ होगा, कितनी विराधना हुई, फिर भी वहां पहुंचे, राजा को खुश किया, किसी तरह रत्न कंबल लेकर के वापिस लौट रहे, रास्ते में क्या मिले, चोर मिल गए, उनको लूट लिया, तो फिर वापिस, हाँ वो वहां एक तोता था, तोता वो ऐसा कोई देवाधीशी था उसको पता चल जाता था, तो वो जोर जोर से बोलने लगा लाख मूल्य वाला जा रहा है, लाख मूल्य वाला, लाख रुपये की सोनों की कीमत मतलब जा रहा है, तो वहां जो उसे जंगल में चोर डाकू लुटा रहे भी, तो वो समझ गए तो उनको पकड़ करके वो ले लिया। फिर दूसरी बार दो या तीन बार ऐसा हुआ, फिर उन्होंने युक्ति कुछ की, एक पोली पोंगरी बनाई ऐसी बांस की, हाँ बांबू जैसा, उसमें वो छुपा दी और किसी प्रकार की बड़ी मुश्किल से वो वापिस पहुंचे उधर रूप कोषा के पास, कितनी विराधनाएं हुई। लेकिन जब इसलिए विषयांध तीन प्रकार के अंध होते हैं, एक रात को नहीं देखता है, दिन को देखता है, दूसरा दिन को देखता है लेकिन रात को नहीं देख सकता, और तीसरा ऐसा होता है वो न दिन को देखता है न रात को देखता है, तो ऐसे कौन, जो पहले सबसे पहले जो दिन को देख सकता है मगर रात को नहीं देख सकता है, ऐसा कौन, दिन नहीं दिन को देख सकता है और रात को नहीं देख, उल्लू तो रात को देखता है, उल्टा दिन को देख सकता है रात को नहीं देख सकता है, कौआ कौआ काक पश्यति, काक माने कौआ जो होता है रात को
प्राइड ऐसे नहीं देख सकता है ऐसा कहा जाता है। और उल्लू माने जो होता है घूवर जिसको बोलते हैं, वो रात को देखता है, दिन को नहीं देख सकता है। और भी ये चमगादड़ वगैरह भी होते हैं, लेकिन कहते हैं अपूर्व कोपी कामांधो दिवा नक्तं न पश्यति। तीसरा कामांध व्यक्ति जो होता है वो ऐसा विषयांध, वो ऐसा होता है वो न दिन को देख सकता है न रात को, आंख से तो देखता है लेकिन क्या करना चाहिए न क्या न करना चाहिए वो सब भूल जाता है। नशे में धुत आदमी होता है वो, जैसे कहीं भी गटर पे भी लेट जाता है, गंदा पानी भी पी लेता है, उसी प्रकार से विषयांध अथवा कामांध जीव होता है वो दिन रात को नहीं देख सकता है और पाप करते कर डालता है। तो भूल गए कि मैं कौन हूँ, पंच महावृतधारी साधु, जहाँ पानी कच्चे पानी की एक बूंद को भी परंपरा से भी छू नहीं सकते, और इधर तो बरसते बरसात में कीचड़ में से गए वापिस लौटे तो घास भी उग गया था, आम्रलोट तो थे नहीं उस जमाने में, तो घास की भी वनस्पति की भी विराधना हुई, फिर भी से सब करके भी आ गए रूप को शाकोरिया लो ये रत्न कम्बल तुम्हारी। उसने क्या किया फिर, कितनों को पता है? हाँ पता है, चलो बोलो तो क्या किया, अपने हाथ पांव ऐसे पहुंच करके डाल दिया गटर में, गटर में डाल दिया, गंदगी वाली गटर में डाल दी इसने महंगी रत्न कम्बल को। वो देख करके वो मुनि सिंह गुफावासी बोलने लगे, अरे 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 तू क्या करेगा, ये तो कितना बहुमूल्य है और मैं कितने सारे कष्ट भुगत करके मैं कैसे लाया हूँ, मेरा मन जानता है, और तूने ऐसे बहुमूल्य रत्न कमल को ऐसे गटर में फेंक दिया। तब वो रूप कोसा जो अच्छी शक्ति सारिका बन गई थी अभी, उसने क्या किया, टकोर की कि महाराज मुझे आप सलाह देते हो लेकिन जरा खुद की और तो देखो, खुद क्या क्या हालत है खुद की। एक कहावत है ना गुजराती में, दाई सासरे जाए नहीं ने गांडी ने सिखा मड़े, कि गांडी सासरे जाए नहीं ने दाई ने सिखा मड़े, ये मत से है दाई सासरे जाए नहीं अने गांडी ने सिखा मड़े, समझते इसका हिंदी में, यहाँ पर नहीं समझते। समझो एक युवती है वो समझदार है, दाई माने समझदार है, फिर भी अपने ससुराल में नहीं जाती है, माने शादी करने नहीं मना कर देती, नहीं करनी है मुझे, दीक्षा भी नहीं लेनी है और ससुराल भी नहीं जाना है, अथवा तो शादी हुई भी होगी तो भी ससुराल वो नहीं जाती है। उसके माँ बाप समझाते हैं कि कन्या तो आखिर तो ससुराल में ठीक लगती है, अभी पियर में ठीक नहीं लगती है ज्यादा दिन, इसलिए तुम ससुराल जाओ, तो वो जाती नहीं, समझदार होते हुए भी नहीं जाती है। और वो फिर खुद उनकी एक सहेली थी सखी, वो मैड थी, पागल थी, गांडी मीन पागल, तो उसको बोलती है तुझे तो ससुराल में जाना चाहिए, घर पे ऐसे नहीं रहना चाहिए, खुद समझदार होते हो भी नहीं जाती है, और वो पागल सखी को सलाह देती है कि तुम जाओ, तुम भी महाराज के ऐसा कर रहे हो, मुझको सलाह देते हो कि ये रत्न कम्बल को गटर में क्यों डाल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, रत्न कम्बल से भी कई गुना अनमोल, जिसे मूल्य नहीं कर पाते इनका, इतना अनमोल तीन तीन रत्न जो आपको मिले हैं। कौन से तीन रत्न मिले हैं? सम्यक दर्शन, खाली दर्शन ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और गटर कौन सी, आप कौन सी गटर में ये तीन रत्न को डालने के लिए तैयार हो गए हैं, कौन सी गटर? विषय रूपी, मेरा शरीर उसमें क्या है, गंदगी विषय क्या है, भीतर में ऊपर से खाली चमड़ी अच्छी दिखती है, बाकी भीतर में तो खून मांस मल मूत्र पसीना गंद कितने प्रकार की गंदगी भरी पड़ी है, और उसमें डालने के लिए आप तैयार हो गए हैं, आपको कुछ विचार नहीं आता है हमारा ऐसा उसको कहा तो मुनि को तो लगा कि अब जमीन रास्ता दे तो मैं अंदर घुस जाऊं, अथवा तो कापो तो लोई खून भी नहीं निकल पाए, ऐसी उनकी स्थिति हो गई, उनको लगा अरे एकदम सही बात की है। और मैंने ये जो उनकी स्पर्धा या ईर्ष्या करके चातुर्मास यहाँ करने का सोचा वो उचित नहीं किया, गुरु महाराज तो मना करते थे लेकिन मैं नहीं माना, उसका फल इतनी सारी मैंने विराधना कर दी, कितने सारे होलसेल में पाप कर्म मैंने बांध लिए, अरे धिक्कार हो मुझे, धन्य है वो महामुनिवर थुलभद्र स्वामी को, धिक्कार है
मुझे वेश्या को ऐसे नमस्कार किया, तू मेरी गुरु समझ लो, मुझे बचा लिया पतन से, मुझे बचा लिया यह प्रयोग करवा करके। और वो वापिस लौट गए गुरु महाराज के पास और क्षमा याचना की, माफी मांगी, प्रायश्चित स्वीकार किया और फिर आगे अच्छी तरह संयम पालन करने लग गए। तो ये आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ब्रह्मचर्य का है। ऐसी प्रतिकूल संयोगों में, ऐसे संयोगों में भी टिकना आसान नहीं है। 22 प्रकार के परीक्षा होते हैं, उसमें अधिकांश तो प्रतिकूल परीक्षा है, कि 2-3 परीक्षा ऐसे है जो अनुकूल परीक्षा है। उसमें एक परीक्षा कौन सा अनुकूल परीक्षा? स्त्री परीक्षा। जैसे ठंड लगना, गर्मी, भूख, प्यास, दांस, मच्छर, ये सब प्रतिकूल परीक्षा है, तकलीफ होती है उनको सहन करने में जरा। लेकिन 2-3 अनुकूल ऐसे अनुकूल है परीक्षा, उसमें जीव फंस जाता है। दुख में कभी जीव टिक सकता है, समता रख सकता है, लेकिन प्रलोभन में फिसलना नहीं, टिकना, अपने व्रत नियम में अडिग रहना, वो कठिन होता है। उसमें एक ही स्त्री परीक्षा है और दूसरा है प्रज्ञा परीक्षा। प्रज्ञा माने एकदम बुद्धि जोरदार मिली हो, सब तारीफ करते हो, क्या आपकी मेमोरी पावर, क्या और उस वक्त भी अहंकार न करना, भीतर में भी अपने से कई बुद्धिशाली पूर्व में भी और वर्तमान में भी हैं, उनको याद करके अपनी नम्रता को टिका के रखना, वो कठिन है। दूसरा और तीसरा एक है अनुकूल परीक्षा, कौन सा कोई बोलेंगे? 22 परीक्षा के नाम आते हैं, गाथाएं आती है, 9 तत्व की गाथा, कौन सी बोलो तो? बोलो सत्कार परीक्षा। सत्कार माने सत्कार परीक्षा, फिर पन्ना माने प्रज्ञा परीक्षा, सत्कार परीक्षा। अर्थ नहीं किया होगा 9 तत्व का, किया लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए भूल गए। सत्कार परीक्षा, कोई अपने सत्कार करता है, यहाँ जाते हैं हमारे साथ, गाजे बाजे के साथ सामैया वगैरह होता है, गुरु पूजन होता है, बोलियां बोली जाती है, वो सत्कार उसमें। अब कभी कभी तो राजा महाराजा भी पहले नमस्कार वगैरह करते थे, उस वक्त भी अहंकार जरा भी नहीं आने देना। हाँ, वो अनुकूल परीक्षा है, वो कठिन है। तो प्रतिकूल परीक्षा से भी अनुकूल परीक्षा में टिक पाना बहुत कठिन है। और यहाँ पर तो कितने अनुकूलता थी सारी, 12-12 वर्ष जो परिचित थी, रूप रूप की अंबार थी, चित्रशाला कैसी थी, बारिश के दिन थे, भोजन भी कितने मादक थे, और युवान वय थी, इतने सारी पतन के निमित्त थे। इसमें से एकाध भी निमित्त होता है तो भी आदमी फिसल जाता है, लेकिन ये महामुनिवर अडिग रहे 4-4, वो भी 1-2 दिन नहीं, 4-4 महीने तक। ऐसे स्थूलीभद्र महामुनिवर हुए, इसीलिए हम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, फिर तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, मंगलम स्थूलीभद्र आदि। ऐसे तो धन्य अणगार वगैरह के नाम भी हैं, महातपस्वी भगवान महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य थे। और क्षणिक राजा ने जब पूछा कि आपके 14,000 शिष्यों में सबसे चढ़ते परिणाम वाले कौन महात्मा है, तो भगवान ने किसकी प्रशंसा अनुमोदना की? धन्यो अणगार, धन्य अणगार जो छटके पाने आंबिर करते थे, काया तो एकदम ऐसी हो गई सुख लकड़ी, फिर भी चित्त की प्रसन्नता बढ़ती जाती थी। लेकिन इस श्लोक में वो धन्य अणगार का भी नाम नहीं दिया है। तपस्या करना इतनी कठिन नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मचर्य उसमें भी ऐसी संयोगों में धन्य ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अति दुष्कर कठिन है। इसीलिए मंगलम स्थूलीभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम ऐसा कहा गया है। तो अभी बीच में एक और दृष्टांत मैंने कल कहा था कि आपको कहूंगा ब्रह्मचर्य के विषय में, याद है किसका नाम मैंने कल लिया था? वो तो है, लेकिन कल मैंने उनका नाम नहीं लिया था। अनुकूल संयोगों में एकदम फिर भी उस टिक पाना, एक राजा ने अपने गुरु जो आचार्य थे उनकी परीक्षा करवाई थी नृत्यांगना के द्वारा, बप्प भट्टी सूरी। पिताजी का नाम बप्प था, माताजी का नाम भट्टी था, दोनों के बेटे बप्प भट्टी, जैसे अरुणी का पुत्र था कूर्मा पुत्र, माँ के नाम से प्रख्यात हो गए, ऐसे ये बप्प भट्टी सूरी माँ बाप के नाम से प्रख्यात हो गए थे। बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ली थी, और छोटी उम्र में करीब 11-12 साल की उम्र में तो आचार्य पदवी उनको मिल गई थी। कितना ये अपवाद रूप कितनी घटना है, कितनी उनमें योग्यता होगी। और जब उनकी आचार्य पदवी हो रही थी, गुरु महाराज को चिंता हुई कि इतनी इसकी विद्वत्ता है, इतनी इसकी
बार कीर्ति वगैरह है, बड़े बड़े श्रीमंत राजा वगैरह भी उसको नमस्कार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसके जैसे कि एक कंधे पे सरस्वती और दूसरे कंधे पे लक्ष्मी जैसे नृत्य करती है, ऐसा उनको दृश्य देख में आया था, ऐसा समझ में आया कि एक और विद्वत्ता जबरदस्त कोटि की है, ज्ञान अक्षय जबरदस्त है, और दूसरी और ऐसे उनके भक्त कितने कितने राजा अथवा सृष्टि वगैरह हैं, तो ये दोनों वो कैसे पचा पाएगा, भविष्य में कहीं इसका पतन तो नहीं हो जाएगा, अभी जवानी तो बाकी है, अभी तो छोटी उम्र है, 12-13 साल की उम्र है, अभी युवावस्था तो बाकी है, तो ये लक्ष्मी और ये विद्वत्ता के कारण प्रशंसा, इसमें कहीं वो फिसल तो नहीं जाएगा, ऐसी भीतर में चिंता हुई गुरु महाराज को। तो चेहरा थोड़ा उसका गंभीर देखा तो पूछते हैं बप्पा भट्टी, अभी तो छोटे हैं बिल्कुल 12 साल के करीब, गुरुदेव ऐसे खुशी के प्रसंग पर आप तो स्वयं प्रसन्न होकर के ये आचार्य पद देने जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती से किसने की नहीं है, फिर आप प्रसन्नता अथवा तो खुशी के मौके पर आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी, ऐसे तो पहले तो गुरुदेव ने क्या कुछ नहीं टालने की कोशिश की, लेकिन जरा आग्रह पूर्वक पूछा तब गुरु महाराज ने कहा कि मुझे थोड़ी सी चिंता तुम्हारे विषय में होती। अरे मेरे विषय में चिंता क्या, बताओ मैं वो आपकी चिंता मैं दूर कर दूं। तब गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा मुझे दिखाई देता है, एक और लक्ष्मी एक और सरस्वती, भविष्य में कहीं तुम फिसल तो नहीं जाएगा। गुरु महाराज के मुंह से ये बात सुनते ही उन्होंने गुरु महाराज को क्या कहा, किसको मालूम है क्या कहा, बोलो हीराचंद भाई। हाँ शाबाश, कितना दिन तक, जिंदगी भर, 12 साल की करीब उम्र है, अभी पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है, आजीवन 6 विगई का त्याग। 6 विगई कौन सी, दूध दही घी तेल गुड़ और कढ़ा विगई, तली हुई चीजें, ये 6 माह जो विगई है, विकार, विगई माने विकार उत्पन्न करने वाली, शरीर इंद्रियां मन में विकार उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उनका त्याग मैंने अम्बिल करी करी हो गया समझो ना, आजीवन के लिए, और साथ में और भी एक संकल्प लिया क्या, हाँ आप लोग बहुत भक्त होते हैं ना कोई, तो सीधा नहीं तो कुछ इनडायरेक्टली भी कुछ ना कुछ विगई डाल देते हैं, चलो महाराज घी ऊपर से नहीं लेते हैं तो रोटी बनाते भीतर में जरा हम उसको तेल घी ज्यादा डाल देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि विशिष्ट जो ऐसे भक्त हो उनके घर की भी गोचरी मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ली। और ये सुन करके गुरु महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई, निश्चिंतता हुई कि उनको उन्होंने दोनों हाथ उनके सिर पे रखते हुए कहा, बेटा क्या कहा, वत्स तू महाब्रह्मचारी भव, क्या कहा, महान ब्रह्मचारी होना, ऐसे गुरु महाराज के अंतर से आशीर्वाद निकल गए। अभी तो कोरोना के कारण ज्ञान पूजन और वास्तक्षेप भी बंद रखा गया है, नहीं तो व्याख्यान भी कभी ज्यादा संख्या होती है तो पढ़ा पढ़ी करते हैं, मुझे पहले जल्दी जल्दी है, लेकिन ऐसे वास्तक्षेप से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप ऐसी कोई विशिष्ट आराधना करो, कोई तप करो, कोई त्याग करो, कोई व्रत पक्षा नियम स्वीकारो, और उसके कारण से गुरु महाराज एकदम प्रसन्न हो जाएं, और फिर वो कभी सामने से भी आपको बुला करके वास्तक्षेप दें, वो जो आशीर्वाद होता है उसका फल बहुत तुरंत भी मिल सकता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर के उनको अंतर से आशीर्वाद दिया, महाब्रह्मचारी भव। आगे चल करके कुछ साल के बाद, अभी उनकी उम्र तो युवान वही थी, वो उनका एक राजा भक्त हो गया था, कौन सा राजा, नाम क्या उनका, आम राजा, आम खाने का आम नहीं, आम राजा का नाम था, तो वो उनका बड़ा भक्त हो गया था, तो अक्सर उनको विनती करता था, कृपा करके मैं तो इतना व्यस्त हूँ, उपास में इतनी दूर नहीं आ पाता हूँ, तो कृपा करके आप यहाँ पर पधारिए, और यहाँ पधारेंगे तो दूसरे भी ये सब सभासद हैं उनको भी कुछ बोध मिलेगा, कुछ धर्म का उपदेश दीजिएगा, ऐसे राजा ने बहुत उनको उन्होंने विनती की। तो शासन की प्रभावना का निमित्त देख करके वो अक्सर राजसभा में भी कभी जाया करते थे, लेकिन क्या करते थे, अपने साथ में एक छोटी सी किताब ऐसे साथ में ही रखते थे, क्योंकि राजसभा में क्या होता है इसका वहां का ऐसे प्रणाली का होती है, जैसे यहाँ व्याख्यान के प्रारंभ में आप वायणा विधि करते हैं, फिर मंगलाचरण होता है, फिर व्याख्यान शुरू होता है, तो राजसभा का प्रारंभ क्या होता है, नृत्यांगना के नृत्य से होता है, जनरल ऐसा होता था उस जमाने में, जैसे उधर नृत्य हो चलता था, इधर ये किताब लेकर के किताब मस्त स्वाध्याय करने लग जाते थे।
एक बार ऐसे अनुवाद स्वाध्याय करते करते कोई ऐसी पंक्ति आ गई कि जिसका अर्थ जरा कठिन लगा, तो जरा सोच में पड़ गई इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो आदमी जब सोच में पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी मुद्रा हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है, ऐसी ऐसी। और उधर सामने वो नृत्यांगना का नृत्य चल रहा था, राजा ने देखा अपने गुरु की ओर, अरे मेरे गुरु महाराज तो नृत्यांगना को देख रहे, क्या बात है, ये तो क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं कि सही बात है, देख लगा स्वप्न तो नहीं है, मैं जागृत हूं, ऐसे देख रहे हैं, क्या बात है। उसने सोचा जरा मेरी परीक्षा कर लूं जरा। तो जैसे वो सभा पूरी हुई, नृत्यांगना को बुलाया और उसको कहा कि तुझे आज शाम को रात को जाना है उपाश्रय में, तुमसे जो हो सो करना और महाराज साहब को चलित करना है। और राजा का आदेश हो गया, फिर तो क्या पूछना। शाम को प्रतिक्रमण हुआ, श्रावक लोग थे सब, इसमें ये भी पुरुष के वेश में घुस गई है, अंधेरा था उस जमाने में, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। और प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद एक के बाद एक सब त्रिकाल, क्या बोलते हैं साहब, त्रिकाल वंदना करके जाते हैं, कोई पैर पगचंपी का लाभ देते हैं, धीरे धीरे सब विदा हो गए। तब ये पुरुष वेशधारी नृत्यांगना अकेली रह गई। और फिर उसने दरवाजा किया बंद और अपने नखरे किए शुरू, जैसे उनके शरीर को ऐसे स्पर्श भी किया ना, तो समझ गए अरे तो कोई स्त्री का स्पर्श लगता है, एकदम बैठे गए कौन हो। फिर उसने अपनी ओर से सब उनको चलित करने के लिए मीठे मीठे शब्द कहे, कितने हाव भाव नखरे सब करने लग गए, वो समझ गए, एकदम वो सावधान हो गए। और बड़े अच्छे साधक थे, बड़े साधक थे, आत्म साधना की थी। तो तुरंत उन्होंने एकदम आसन लगा करके अपने जो प्राण होते हैं ना, उनको यहाँ ब्रह्म रंध्र में स्थिर कर दिए, इससे पूरा शरीर जैसे लकड़े जैसा हो गया, निश्चेष्ट हो गया, पूरी आत्मा के सब प्रदेश जमानों के इधर इकट्ठे कर लिए प्राणायाम वगैरह के द्वारा, ऐसे बैठ गए तो शरीर तो एकदम निश्चेष्ट मुर्दे जैसा सब जैसा हो गया। फिर तो पूरी रात उसने बहुत कोशिश की उनको चलायमान करने की, लेकिन इसको कुछ होवे, इसको चलायमान कर सकेगा लकड़े को या किसी भी निर्जीव, इसको कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं। वो थक गई, अपना प्रयत्न करते गए करते सब उसने बहुत प्रकार के तूफान नखरे सब किए, थक गई और हार गई, नमस्कार कर लिया, माफी मांग ली। और दूसरे दिन जब राजा ने बुलाया, पूछा क्या हुआ, तो उसने तब एक संस्कृत में वाक्य है कि नवनीत कल्पो यम लोक पाषाण कल्पो अयम तव गुरु, जगत के दूसरे मनुष्य पुरुष उनको चलायमान करना वो तो हमारे लिए चुटपचुकी भर की बात है। नवनीत माने मक्खन, मक्खन को पिघलाना हो तो जरासी गर्मी लगी कि मक्खन अपने आप पिघल जाता है, यहाँ पर रखेंगे तो अग्नि के बिना भी गर्मी से पिघल जाएगा ना। तो दूसरे मनुष्य तो वैसे होते हैं हमारे लिए, लेकिन आपके जो गुरु है राजन, वो तो पाषाण माने पत्थर तुल्य है, पत्थर कभी गर्मी से भी पिघलेगा कहीं, जरा भी नहीं पिघलेगा, ऐसे मजबूत है। ये सुन करके राजा को एक और तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा गौरव हुआ कि मेरे गुरु महाराज ऐसे एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और दूसरी ओर लज्जा भी हुई, शर्म भी आई, अरे रे मैंने शंका की गुरु महाराज के प्रति और उनकी ऐसी परीक्षा करवाई, तो लज्जा से मुंह नीचा भी हो गया। तो दूसरे दिन जब गुरु महाराज मिले तो लज्जा से उनका मुंह नीचा हो गया था, लेकिन गुरु महाराज ने बाद में उनको एकांत में बुलाया, चिंता मत करो, अफसोस मत करो, तुमने जो भी किया भले किया। हाँ, तो ऐसी बात है, आम बप्प भट्टीश्वरी इतने महाब्रह्मचारी थे, तो उनको कौन सी देवी ने वरदान दिया था मालूम है, श्रुत ज्ञान की अधिष्ठायिका देवी हो, यश कुमार, यश ना, विराग, हाँ वैराग्य, विराग बोलो, ऐसे महात्मा जो होते हैं तो उनके ऊपर श्रुत ज्ञान की देवी कौन, हमको ज्ञान चढ़े इसके लिए कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए, नहीं आता है, लक्ष्मी, तो फिर अभी से तो लक्ष्मी को याद करता है, सरस्वती देवी, कितना मालूम नहीं तुमको, सरस्वती देवी का मंत्र कौन सा है तो भी मालूम नहीं, कभी अभी तक शिविर में या कभी व्याख्यान में कभी सुना भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, छोटा सा मंत्र, अच्छा बड़ा, इधर तो सबको मालूम है, कितने को मालूम है, देखो करीब करीब सबको मालूम है, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, कहाँ गए अपना वो माँ जी, आपको मालूम है सरस्वती का मंत्र, छोटा सा मंत्र,
नाना सतु ज्ञान का मंत्र है। सरस्वती का कॉर्ड वर्ड है, हर एक अलग अलग देव देवी होते हैं ना, उनके अपने अपने कॉर्ड वर्ड रूप मंत्र होते हैं। जो सरस्वती के लिए ऐम शब्द है, ऐ के ऊपर अनुस्वार लगाओ तो ऐम हो जाता है। आगे ओम जोड़ने का, ओम ऐम और पीछे क्या जोड़ने का, नमः माने नमस्कार। सरस्वती माता को ओमकार पूर्वक नमस्कार हो। हाँ, अब ये मंत्र की एक माला रोज गिननी है, बरोबर याद रहेगा, दादाजी ख्याल करना, याद करवा देना उसको बेटा, माला गिनी दूध बाद में पीने का, सुबह पहले एक माला गिनने की। तुमको भी ज्ञान तो चाहिए ना अपने को, सबको सम्यक ज्ञान तो चाहिए, परीक्षा में भी अच्छे मार्क मिले और सद्बुद्धि मिले, सद्विचार आए, इसलिए ओम ऐम नमः बड़े भी कर सकते हैं, सद्बुद्धि किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, ज्ञान भी सबको चाहिए, इसलिए ओम ऐम नमः। दूसरा मंत्र अभी इन्होंने कहा कि ओम रीम नमो नाण स, वो नाण माने ज्ञान, ये लोग सबके नाण माने नाणा पैसा, वो इसका माला जपते हैं। ओम रीम नमो नाण स, नाण माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान को भी नमस्कार हो। तो दोनों की एक एक माला गिननी चाहिए रोज। तो सरस्वती देवी, तो इनका इतना पवित्र जीवन था ना, इसलिए सरस्वती देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और बड़े विद्वान हुए। और उन्होंने सरस्वती देवी का संस्कृत में स्तोत्र बनाया है, कल मराल विहंगम वाहना ऐसा है, बहुत ही अच्छा स्तोत्र है संस्कृत भाषा में। तो ये बप्पा भट्टी छुरी का दृष्टांत भी बीच में हमने ले लिया, सोलीभद्र महामुनिवर के दृष्टांत के अंतर्गत। तो ऐसे सोलीभद्र महामुनिवर, वो भी आगे चल करके एक प्रसंग उनका भी और एक दो प्रसंग आते हैं, वो हम पार्ट थ्री वो अभी पेंडिंग रखते हैं आज, क्योंकि अभी समय हो गया है, पहले विभाग का ज्यादा भी समय हो गया है, अभी आगे बढ़ते हैं दूसरा विभाग, आध्यात्मिक त्रिपला का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, वो कौन सा है, अर्वाचीन प्रेरणादायक दृष्टांत, नजदीक वर्तमान काल के अथवा तो एकदम नजदीक के भूतकाल की सत्य घटनाएं। उसमें हम कल किनका दृष्टांत देखा, नवीन भाई गांधी कहाँ रहते हैं, अहमदाबाद में भी कहाँ रहते हैं, नारायणपुरा विस्तार उसमें भी कहाँ रहते हैं, विजयनगर, विजयनगर में भी किसके सामने रहते हैं, जिन मंदिर है भगवान का डेरासुर उसके बिल्कुल सामने उनका मकान निवास स्थान है। तो पहले वो किनकी उपासना करते थे, विटामिन एम के लिए, पद्मावती देवी। पद्मावती देवी की क्या विशेषता है, वो एकावतारी है, भगवान पार्श्वनाथ के विशिष्ट भक्त है, एक भव के बाद मोक्ष में जाने वाली सम्यक दृष्टि देवी है। तो पैसे के की कामना से उनकी बहुत उपासना की करीब 12-14 साल तक, लेकिन कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तब फिर किसी ने उनको टकोर की, किसने टकोर की, उनके मामा ने टकोर की, क्या टकोर की, हाँ अरे नवीन तो ये देव देवियों के पीछे इतना पागल हुआ जाता है, इतनी पागलता देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा की भक्ति में की होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। ये बात ऐसी हृदय स्पर्शी हो गई कि उन्होंने युक्तर ले लिया, पद्मावती से क्षमा याचना कर ली, ये अभी मैं आपकी ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपने भी अपने मस्तक पर जिनको धारण किया है पार्श्वनाथ यानी कोई भी अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, उनकी मैं भक्ति करना चाहता हूं और साधर्मिक के रूप में आपके सिर पे मैं अंगूठे तिलक जरूर करूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें मां कि मैं भगवान की भक्ति में लीन बन सकूं, बराबर। हाँ, तो फिर भगवान की भक्ति में धीरे धीरे शुरू की पूजा नियमित रूप से, लेकिन शुरुआत में तो भाव इतने नहीं आते थे, फिर भी पूजा चालू रखी, भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुझे भाव दो अच्छे भक्ति के। तो फिर धीरे धीरे क्या भाव आया कि अहमदाबाद में रहता हूँ, सैकड़ों मंदिर हैं, तो एक ही मंदिर में पूजा करके मैं संतोष रख लूँ, क्या उचित है क्या, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में ऐसे भी स्थान हैं कि जहाँ थिएटर, सिनेमा थिएटर एक ही गली में लगा आता है, पास पास में ही चार चार थिएटर है, तो कई ऐसे जवान क्या करते हैं, मॉर्निंग शो एक में देखा, फिर दूसरा शो दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, रात को 12
सुबह 10-11 से लेकर के रात को 12 बजे तक एक के बाद 4-5 पिक्चर देख लेते हैं। आजकल तो उसमें जाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ती, इसी में देख लेते हो, कर दो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन बहुत नुकसान होता है इसमें। तो यहाँ पर लेकिन भक्त आत्मा है वो क्या करता है, उसको भगवान की भक्ति में संतोष नहीं रखना चाहिए। ऐसे शास्त्र में कहा है कि संतोष अच्छा है, लोभ नहीं करना चाहिए, कभी पाप का बाप लोभ है, और संतोषी नर सदा सुखी, लेकिन उसमें अपवाद है। संतोषी संतोष तीन चीजों में संतोष करना अच्छा और तीन चीजों में असंतोष करना भी अच्छा है। संतोष किस में करना चाहिए, स्वदारे भोजने धने, स्वदारा संतोष, स्वत्री पति पत्नी संतोष, परदारा त्याग, और स्वदारे भोजने खाने में भी उणोदरी करनी चाहिए, जो आया सो आओ बैठो, जपे जे आवे ते खपे, जो देखा हो डालता गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन में भी संतोष, दाल और रोटी बाकी सब बात खोटी। फिर तीसरा धने, धन कमाने में भी कुछ लिमिट रखना चाहिए, क्या अटको क्या एक तो अटको, पुस्तक किताब है रत्न सुंदर सूर्याचार्य भगवान की। तो इन तीन चीजों में संतोष करना अच्छा, लेकिन दूसरी तीन चीजें ऐसी भी है जिसमें संतोष करना ठीक नहीं है, उसमें तो जिंदगी भर अधिक से अधिक उपार्जन करते ही रहना चाहिए। उसमें एक है सम्यक ज्ञान, प्रति के मन आ गया संतोष में कर लिया, अरे कितना अभी तो सम्यक ज्ञान बाकी पड़ा है, सब 5 प्रतिक्रमण, 7 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, और भी संग्रहणी क्षेत्र समास, कितने कितने सारे जिन शासन में भगवान की वाणी समझने की बाकी होती है। तो बड़ी उम्र भले हो जाए 90-94 साल की उम्र में भी सम्यक ज्ञान का अर्जन करने वाले ऐसे श्रावक हमने देखे हैं, 94-95 की उम्र में भी गाथा लेते थे। हमारे कच्छ के अंदर विद्यापीठ है, हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से स्थापित कच्छ मेराऊ में पहले थी, अभी नागलपुर में है, मेरे संसारी छोटे भाई है दीपक भाई, उसमें 4-5 साल तक पढ़े हुए हैं। तो वो मेराऊ गांव कच्छ का, कौन सा मेराऊ याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वहां पर एक बापा हमारे एक शिष्य थे बड़ी उम्र वाले, अभी अभी 3 साल पहले उनका कालधर्म हो गया, अभ्युदय सागर जी महाराज, उनके नाना जी थे, उनके नाना जी जिनका नाम था कुंवर जी भाई, क्या नाम था कुंवर जी बाप भाई, और शॉर्ट में कुइया बापा, कच्ची में कुइया बापा बोला देते। वो 94 करीब उनकी उम्र थी जब, तब भी हर रोज सुबह में पानी का लोटा लेकर के कहाँ जाते होंगे, अभी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर किचन और इधर ही इधर खाना, इधर विसर्जन करना, इनपुट और आउटपुट पास में ही रहते हैं, इनपुट घर में आउटपुट के लिए पहले गांव में, गांव के बाहर नदी वगैरह में जाते थे, तो पानी का लोटा लेकर के जाते थे गांव के बाहर, रास्ते में गांव के पादर में ही बिल्कुल वो आता था विद्यापीठ, पहले उसमें जाते थे, जैसे इसमें एंट्री की विद्यापीठ में, उनकी आवाज बड़ी थी एकदम जोर से बोलते, मेरे भाई का नाम तो दीपक भाई है लेकिन वो रहने वाले चांगड़ाई गांव में रहते थे पहले बचपन में हम लोग, चांगड़ाई ऐसे उनलौट गांव हमारा मूल, लेकिन हमारा ननिहाल है चांगड़ाई में, हमारे मामा मौसी कोई नहीं थे पहले से, तो हम ननिहाल में बड़े हुए, तो वो सीधा बोलते थे ए चांगड़ाई वाला, जिनका गांव से भी कभी बुलाते, गांव के नाम से बुलाते हैं कभी कभी, हे धरण गांव वाले, नाम कभी भूल जाते हैं तो गांव का नाम याद आ जाता, गांव के नाम से बुला लेते हैं, कभी कभी सरनेम से बुलाते हैं, आगे का नाम नहीं सीधा उसका जो सरनेम होता है, अरे गाला हो छेड़ा हो गड्ढा, क्या तुम्हारी सरनेम क्या है सा तो आजकल सभी जैनों को सा बोल देते हैं, उसमें कुछ दूसरा होगा पर्टिकुलर मालूम नहीं होगा उनको, मालूम होगा क्या है नहीं, अब किसी का चोरिया किसी इनका गाला है, आपका क्या है धर्म सी, हाँ अच्छी नाम है धर्म का शब्द आया, तो ऐसे ऐसे ओ धर्म सी भाई या ओ गाला, हमारे चाचा थे वो भी शिक्षक थे तो गाला सर के नाम बुलाते, उनकी सरनेम गाला थी हमारी भी संसार पक्ष में, तो बताते थे तो उनका नाम तो था विशन जी भाई, लेकिन सभी विद्यार्थी इनको गाला सर के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ ए चांगड़ाई वाला इधर आ इधर आ, कच्छी में बोलते थे वो तो, हाँ क्या बापा बोलो क्या बात है, अरे मुके पद्य दे कच्छी में जरा बोल लो, पद्य दे पद माने वो गाथा दो मुझे, श्लोक जो दो, बड़ी उम्र में 94 के आसपास की उम्र थी और किताब में अभी तो नजर भी कम थी, ऐसे ही एक दो शब्द श्रावक के बड़े अतिचार, उनके एक दो शब्द मेरे भाई उनको 2-4 बार बुलाते थे
और वो धारण कर लेते थे, उसको मन में रखते जाते थे और दूसरे दिन आकर के वो पहले सुनाते थे। मेरे भाई कहते थे कि कल हमने दिया था ना आपको पत्र, दिया था कल, और कल दिया था तो वो सुन लो आ गया और दूसरा ले आ दो, ऐसे थे। तो एक दिन महाराज गुरुदेव ने उनको पूछा जरा मजाक में, क्या जवाब देते हैं सुने जरा, बाबा इस उम्र में आप ये कंठस्थ कर रहे हो तो क्या आप संवत्सरी प्रतिक्रम संघ को करवाएंगे, इतनी उम्र में बोल सकेंगे? तो बाबा गंभीर हो गए, आप आचार्य महाराज होकर के ऐसा कहते हैं, क्या परलोक नहीं है, दूसरा जन्म क्या नहीं है? इस जन्म में मैं सीखूंगा तो उसके संस्कार मुझे अगले जन्म, मुझे बचपन से ही इस सम्यक ज्ञान का सामग्री मिलेगी, रुचि मिलेगी, लगेगी। अगले जन्म में ज्ञान की आराधना नहीं की होगी, कम की होगी, इसलिए इस जन्म में तो बचपन मेरा ऐसे ही बीत गया, पढ़ने की समझ उम्र थी उसमें मुझे ऐसे कोई निमित्त या संस्कार नहीं मिला समय, लेकिन अभी जागे तब से सुबह, अभी से प्रयास करूंगा तो इसके संस्कार अगले जन्म में साथ में चलेंगे, तो छुट्टी उम्र में मुझे ज्ञान की रुचि होगी। दुनिया में तो कितने सारे लड़के लड़कियां हैं कि नहीं है, विद्यार्थी है, देखिए इतने ही क्यों आते हैं? तो आपके पूर्व जन्म के भी संस्कार हैं, साथ में पुण्य भी है, इसलिए माँ बाप भी ऐसे मिले, दादाजी भी ऐसे मिले, क्यों? हाँ, तो और दूसरे नहीं आते बेचारे, कल तो करीब करीब 20-22 जितनी संख्या थी, इसमें भी लड़के आप लोग कम आते थे, धर्म दलाली अच्छी ठीक से नहीं किया तुमने, अभी अगले रविवार धर्म दलाली करना, तुम्हारे दोस्तों को भी ले आना, यहां से अच्छी संख्या थी। तो क्या बात है, हाँ दूसरा जन्म है, मुझे अगले जन्म में काम आएगा, इसलिए मैं ये कथा कर रहा हूं, ऐसा जवाब दिया। कहने का मतलब है कि ज्ञान में संतोष नहीं रखना चाहिए, कितना कितनी भी उम्र हो जाए पढ़ते ही रहना जिंदगी के अंतिम तक, याद नहीं रहता हो तो पढ़ो, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनो। एक के ऊपर दृष्टांत मगज में याद आ रहे हैं, समय घड़ी दौड़ रही है। जामनगर में हम सौराष्ट्र में जामनगर मां चतुर्मास किया, उसके बाद आसपास के गांव में हम विचरण कर रहे थे। एक गांव में गए, उनका नाम पडाना ऐसा कुछ नाम था गांव का, मंदिर में गए हम, शाम को पहुंचे थे वहां विहार करके, तो शाम को करीब 5:30-6 बजे का समय होगा। एक बुजुर्ग बापा आपकी समझो उम्र के वाले, उनका नाम मेरे ख्याल से मगन भाई, मगन बापा नाम था वो, एकदम आवाज बड़ी अच्छी आवाज थी और चैत्य वंदन विधि कर रहे थे, शाम को सुबह और शाम चैत्य वंदन त्रिकाल भी करते हैं कहीं। और जैसे हमने दर्शन करके वापिस हम लौटे, जरा उनकी ओर देखा तो हम चकित रह गए, क्योंकि दोनों आंखों से वो प्रज्ञा चक्षु थे, नजर बिल्कुल नहीं थी। उनको किसी तरह पता चल गया, मन उपाश्रय में आए, गुरु वंदन भी किया। फिर हमने उनको पूछा, बापा आपकी तो नजर नहीं दिख रही है, तो फिर आप अकेले और वो भी शाम के टाइम में मंदिर में आते हैं तो भगवान का दर्शन तो आपका होता नहीं है? तब उन्होंने जो जवाब दिया हमारे यहां लिखा गया है, पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज एक बात कहूं, पूर्व के कोई पाप कर्म के उद्देश्य मेरी बचपन से ही आंखें चली गई। उन्होंने पूछा, कब से आप प्रज्ञा चक्षु बने हुए? बचपन में ही मेरी आंखें चली गई, लेकिन मैं यहां इसलिए आता हूं कि मेरी भले आंखें नहीं है लेकिन सामने भगवान की तो आंखें हैं ना, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र बनूं, इसलिए मैं हर रोज सुबह शाम 2 टाइम आता हूं। किसी को क्यों तकलीफ, बिना अकेले लकड़ी के सहारे मैं टटोलते टटोलते चला आता हूं। तो आपको कितना, आपने पूरा चैतन्य विधि से कि बचपन में आंखें चली गई है, तो फिर कब ये कैसे सीखा, कैसे सीखा होगा? सोचो, सुन के घर के किसी न किसी सभ्य को बोलते, बेटा जरा मुझे याद करवाओ। तो ऐसे करते करते महाराज साहब, ज्यादा तो नहीं आता, कितना आता है? 5 प्रतिक्रमण आते हैं, 9 स्मरण आते हैं, बक्का मराता इतना आता है। आप में से कितनों को आता है 5 प्रतिक्रम? क्या 1 प्रतिक्रम 2 प्रतिक्रम वाले भी कम होंगे? बहुत ही, अभी पूछता नहीं हूं, ऐसे ही रहने देता हूँ, चिंता मत करो। हाँ, बचपन में नजर चली गई, कोई चेचक का ऐसा कोई रोग हुआ हो, बीमारी, उसमें चली गई आंखें, बचपन में चश्मे लग गए, हाँ, और फिर भी जब उसको प्रबल इच्छा जंग होती है ना, तो जीव किसी प्रकार से भी कर सकता है। तो बहाने नहीं निकालने, ये सब दृष्टांत सुन करके हमें प्रेरणा लेनी है
अभी क्या करे, याद नहीं रहता है, याद रहे अनरे मास्तुष्मि को याद करो, कहाँ याद रहता था, मारुष मादुष इतना भी याद नहीं रह पाता था, वो मास्तुष मास्तुष बोल लेते थे, फिर भी चालू ही रखा पढ़ना, हम भी करते हुए पढ़ने का चालू ही रखा, तो केवल कुछ साल के बाद 12 साल के साल में केवल ज्ञान हो गया। इसलिए याद नहीं रहता है वो बाना भी चलेगा नहीं, नजर नहीं दिखता नहीं है वो बाना भी चलेगा नहीं। अपने पोते पोती को बोलो कि बेटा जरा ये पढ़ करके हम सुनाओ, करेंगे ये सुन करके कुछ अपने जीवन में कुछ सुधार करेंगे, गंभीरता से सोचना। तो सम्यक ज्ञान में संतोष नहीं करना है, भगवान की भक्ति में संतोष नहीं करना है, इतनी माला जप ली भगवान भी बस 9 लाख हो गया, हमारा तो 9 लाख हो गया है, तो जिंदगी तो बाकी पड़ी है, हा? कितने सालों से खाते आ रहे हैं फिर भी संतोष हुआ, ये भी खाना बंद, अभी अनशन कर ले गए, नहीं रोज खाना जर रोज कमाना, तो भगवान का नाम भी रोज जपना चाहिए भक्ति। और दूसरा कुछ है दान में, रोज यथाशक्ति भी कुछ न कुछ दान देते ही रहना चाहिए, टुकड़े में से भी टुकड़ा, जितनी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार कुछ न कुछ याद करो, किसको याद करेंगे दान के विषय पहले। और थोड़े दिन पहले मैं दृष्टांत दिया था, वर्तमान काल का, वो कौन वो हाँ बोले वो बड़ो बड़ा दान दीपचंद गार्डी वॉचमैन मंथली तीर्थ का वॉचमैन, अभी गरीब आदमी फिर भी वो रोज दान देता था, क्या देता था चिचुका, हाँ क्या दिया वो गौण वस्तु है, देने का भाव जो है ना वो महत्व का है। तो गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो हर रोज कुछ न कुछ दान तो दे ही सकता है, कुछ नहीं तो मीठे शब्दों का दान दो, कभी आश्वासन किसी दुखी को दो। तो ये तीन चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। अपनी मूल बात क्या थी नवीन भाई गांधी की, तो उन्होंने क्या किया, एक दो मंदिर में दर्शन करके संतोष नहीं रखा, कितने मंदिर में 50 हाँ पौर्षी से पहले पहले 44 मंदिरों में पूजा, और उसके बाद खा करके फिर नाश्ता करके दूसरे 10 दिन मंदिर में पूजा, ऐसे 54 मंदिर उनको गिनाए उन्होंने, और भगवान का दर्शन करते, शुरू में भले भाव नहीं आते थे लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा करने से भाव बढ़ते गए, भाव बढ़ते गए, और कितना उनको आनंद आता था, कितना आनंद आता था भगवान को देख करके, आधा गिलास करीब भर जाए, इतने आंसू, इतना भाव विभोर हो जाते थे भगवान को देख के, हर से अहो भाव के आंसू की धाराएं बह जाती थी, और इसके कारण इतना हृदय निर्मल और प्रफुल्लित हो जाता था, इतना आनंद आता था कि उन्होंने मुझे क्या कहा कि अभी मेरे कितने भाव, केवल 2 या 3 भाव से अधिक मेरे भाव बाकी नहीं होंगे, ऐसी मेरी अंतरात्मा साक्षी भरती है, बोलिए। और इतने यहां तक तो हमने आगे कल देखा था, अभी और थोड़ा आगे बढ़े कि वो हर संडे और सैटरडे, शनिवार और रविवार वो क्या करते थे, पिक्चर जिन्हें जाए, हाँ रविवार होते तो पिकनिक के जाते, कोई रिसोर्ट पे जाते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन ये क्या करते थे, हर शनिवार और रविवार को तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते थे, संडे शनिवार रविवार को घर पे नहीं मिलते थे, और हमेशा नए नए तीर्थ, ऐसे उनके 9 तीर्थ एकदम फेवरेट, उनमें हर महीने में एक बार अवश्य में वो यात्रा पूजा करने के लिए जाते थे, 9 तीर्थ उनके ऐसे थे, पालीतना संकेश्वर तो होगा ही, जीरावल्ला पार्श्वनाथ भी होगा, और भी बिलड़िया जी पार्श्वनाथ, खुद भी इधर घोड़ो बलसार के पास में एक है सीमंदर स्वामी का, वहां उनके ट्रस्टी भी खुद हैं, और 9 तीर्थों में सबसे ज्यादा जहां उनको अनुभव कुछ हुआ होगा वो तीर्थ है राजस्थान में फल वृद्धि पार्श्वनाथ, मेड़ता फलोदी अलग है, फलोदी शहर, ये मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड दो हैं, दोनों के बीच में 11 किलोमीटर का करीब अंतर है, हम गए वहां पर, तो मेड़ता रोड सिटी अलग, मेड़ता रोड जो है वहां पर जो फल वृद्धि पार्श्वनाथ का भया भव्य तीर्थ है, इतना प्रभाव उसका था कि रात को ताले भी नहीं लगाने पड़ते थे, अभी लगाते हैं शायद, लेकिन पहले कितने सालों तक ताले भी नहीं लगा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अधिष्ठाया के इतने जागृत रहते थे, आज भी कई बार रात को सफेद घोड़े पर बैठ करके ऐसे कोई रौन लगा रहा है, ऐसे दृश्य कभी देखे भी जाते हैं,
तो इसीलिए उन्होंने हमको कहा कि महाराष्ट्र व्याख्यान में कभी भी तीर्थ यात्रा की प्रेरणा आप करें तो मेरे ओर से कर वो संघ को आप इतना जरूर विनती करना कि अगर आप राजस्थान में कभी यात्रा के लिए निकलो तो फल वृद्धि पास्ता नेरता रोड हाँ वहां जरूर यात्रा का और भक्ति करना, 3-4 घंटे दिल देकर के भक्ति पूजा सेवा वगैरह करना, उसके बाद वहां रात्रि मुकाम नहीं करना, ऐसा भी उन्होंने मुझे किसी कारण से कहा है, लेकिन 3-4 घंटे एकदम आराम सेवा पूजा सेवा भक्ति जरूर करना। वो फुट तो जाते ही हर महीने वहां फल वृद्धि पार्श्वनाथ मेड़ता रोड। तो मेड़ता रोड की क्या विशेषता है मालूम है, किसकी भूमि है वो, इनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि साधना भूमि है। हाँ शाबाश, जैन शासन के महान विशिष्ट भक्त और आत्मज्ञानी हो गए महापुरुष आनंदगंज जी महाराज, आनंदगंज जी चौबीसी एकास्तवन आता है किसी को, आनंदगंज चौबीसी का आता है, प्रीतम माहरु और न चाहू रे कंत। हाँ तुम भी मम्मी को ऐसा बोल लेना, विश्व जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत, मैंने मेरी शादी हो गई है जिनके साथ, विश्वप्रिय भगवान के साथ, वितराग परमात्मा के साथ। ऐसे वो आनंदगंज योगीराज की जन्मभूमि और साधना भूमि वो मेड़ता रोड। तो यह हर महीने जाते हैं और उनकी भावना थी और मेरे ख्याल से वो भावना पूरी भी हो चुकी होगी, भारत भर में जितने भी जैन तीर्थ हैं छोटे बड़े सभी की मुझे यात्रा करनी है, पूजा करनी है। और हर शनि रविवार तो इसे अलग अलग तीर्थों की यात्रा में निकल जाते थे, इसलिए बहुत सालों गए तो मेरे ख्याल से अभी करीब करीब वो पूरी भी हो, उनकी भावना पूरी हो गई होगी। अनुरोध करो तो ऐसा करो कि मुझे भारत भर के जितने भी जैन तीर्थ हों उनकी यात्रा करनी है। और हमको एक मिले थे राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहां के एक श्रावक मिले थे, नेमी चंद जी कोठारी मेरे ख्याल से शरणी मुन की थी, पालीताना में एक बार मिले थे। वो तो पैदल यात्रा कर रहे थे भारत भर के सभी जैन तीर्थों की, करीब करीब 8 साल हमको मिले, उसको भी 10-12 साल हो गए, और उन्होंने उस वक्त भी पिछले 8 सालों से अपना घर छोड़ लिया था अकेले ही पैदल। कई लोग तो साइकिल पे पूरे विश्व यात्रा वगैरह करते हैं, ये तो पैदल ही हाँ एक गांव से दूसरे गांव हमारी तरफ अकेले भी पैदल चलना, नए नए गांवों में जाना, और उसमें तो कुछ राज्य तो ऐसे होते हैं जहाँ जैनों की ज्यादा बस्ती भी नहीं होती है तो कभी तकलीफें भी आती है, कोई इनको अकेला आदमी को कोई भरोसा जल्दी नहीं करता है, कोई चोर वगैरह समझ करके कभी मारपीट भी कोई होगी होगी, उसमें भी कश्मीर वगैरह जैसे में जाना, इधर दक्षिण भारत में जाना बहुत कठिन था, फिर भी भौमियाजी देव की उनके ऊपर कुछ अच्छी कृपा है, वो भौमियाजी का श्लोक बोलते हैं तुरंत उनके शरीर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो नेमी चंद जी उनका दृष्टांत भी हमने बहुरत्ना वसुंधरा किताब के अंदर छपाया हुआ है। तो ऐसे एक से बढ़कर एक भक्त रत्न वर्तमान काल में भी विद्यमान है, उनके दृष्टांत में से हमें भी प्रेरणा लेनी है और ऐसे अच्छे अच्छे मनोरथ करने हैं, अच्छे 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 संकल्प करने हैं। कम से कम आपको धूलिया में कितने करीब 9 या जितने भी छोटे बड़े घर मंदिर हो और बड़े मंदिर भी हो तो कम से कम साल में या तो महीने में एक बार अथवा कम से कम साल में एक बार तो सभी जिन मंदिरों की पूजा केवल दर्शन भी नहीं पूजा जरूर करने का संकल्प लेना चाहिए। करते हैं कोई ऐसा? चलो नहीं करते अभी से जागे तब देखो है हीराचंद भाई, पहले करते थे अभी बड़े बुजुर्ग हो गए जरा, अभी कोरोना आ गया है। तो ऐसा आप लोग कोशिश करना हर महीने एक बार अथवा हर सप्ताह में एक बार अथवा साल में कम से कम एक बार अपने शहर में जितने भी जिन मंदिर हों उनकी पूजा सेवा जरूर करना। ऐसे ऐसे श्रावक भी और महाराज साहब भी हमारे ख्याल में है कि पालीताना में जितने भी छोटे बड़े जिन बिंब हैं श्रावकों ने तो पूजा की है, और एक महाराज साहब हैं सुधर्म सागर जी उनका नाम है, वो सभी भगवानों के सामने चैत्य वंदन केवल मूल नायक के आगे नहीं, जितने छोटे बड़े चाहे अरस के हों चाहे पंचधातु के भी भगवान छोटे बड़े हों एक एक हर एक भगवान के सामने विधिवत पूरा चैत्य वंदन उन्होंने किया है। और पालीताना के हजारों जिन बिंब हैं नीचे तलहटी के भी कितने मंदिरों में कितने भगवान, वो केसरिया जी का है ना तलहटी में वो उसमें तो कितना भगवान है, सबके सबके सामने एक एक के सामने पूरा पूरा चैत्य वंदन। फिर उन्होंने आगे चल करके अहमदाबाद में सैकड़ों मंदिर है वहां भी
ऐसे भी रामचंद्र सूर्याचार्य भगवंत हो गए, उन्होंने भी सभी भगवान पालीताना में जितने और जहां भी वो जाते हैं मंदिर में जितने भी भगवान हुए, ऐसे तीन मंजिले यहाँ पर हैं, तो सभी भगवान को तीन तीन खमा समणा, आप ये तो आप कर सकते हैं जो छोटे उम्र वाले वगैरह वो आप कर सकते हैं, हाँ जितने भगवान हैं सभी को तीन तीन खमा समणा। और मानो कि वो भी आप नहीं कर पाते, बड़ी उम्र हो गई है, हाँ तो हाथ जोड़ करके थोड़ा सिर झुका करके नमो जीणाण, हर एक भगवान को अलग अलग हाँ नमो जीणाण नमो जीणाण नमो जीणाण नमो जीणाण, ये तो कर सकते हैं। तो ये कोशिश करना अभी से, इस ऐसे दृष्टांत सुन करके उनमें से कुछ न कुछ हमें को प्रेरणा लेनी है और संकल्प करना है, करेंगे ना, करते हैं अभी से करना। अपन तो बुल्ला को कर लेते हैं चैत्य वंदन वगैरह, बाकी बाकी भगवान नमो अरिहंता, लेकिन प्रत्येक भगवान को पूजा भी करो, हो सके तो चैत्य वंदन भी करो, भले एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना करते 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 सभी भगवंतों को चैत्य वंदन करना, इससे हमारा सम्यक दर्शन जो है वो एकदम निर्मल होता है। हाँ तो ये दृष्टांत अपना चल रहा है अभी नवीन भाई गांधी का, इसमें और भी थोड़ी बातें आगे हैं, वो अभी हम उसको भी आज एंडिंग रखते हैं, पार्ट थ्री आगे कल देखेंगे। और प्रश्नोत्तरी का जो कल क्या प्रश्न पूछा था मालूम है, अनंत बार हमने जैन दीक्षा भी ली भूतकाल के अनंत भवों में, मेरु पर्वत से भी बढ़कर ढेर लग जाए इतने सारे रजोहरण और चरवले लिए, महाव्रत और अनुव्रतों का पालन किया, कई प्रकार के अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं इस जन्म में, कई बार तो मजबूत पहला संग्रहण हमको मिला था महावीर इच्छा क्षेत्र चौथा आरा तीर्थंकरों की उपस्थिति में, तब तो हमने कैसी दीक्षा पाली होगी, कैसा तप त्याग किया होगा, कितना घान पढ़े होंगे, हाँ नव नव पूर्व तक भी कभी पढ़ गए होंगे, और फिर भी अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो सका, आपने अलग अलग प्रत्युत्तर दिए थे, वो सब भी व्यावहारिक नए की अपेक्षा से ठीक ही थे कुछ अंश में, लेकिन बाद में मैंने निश्चय नए की दृष्टि से जो प्रत्युत्तर दिया था क्या सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र भी मोक्षदायक तभी हो सकता है कि पहले सम्यक दर्शन और साथ में सम्यक ज्ञान, फिर वो ज्ञान कितना भी हो चाहे थोड़ा सा भी ज्ञान हो, लेकिन सम्यक दर्शन है तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो नव पूर्व का ज्ञान होता है, भी ज्ञानियों ने उनको अज्ञान ही कहा है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक का जो चारित्र है, फिर मानो वो चारित्र में कभी बाहर बाह्य दृष्टि से थोड़े से अतिचार भी कहीं लग जाते होंगे, फिर भी वो मोक्षदायक हो सकता है, और सम्यक दर्शन के बिना जो अभवी जीव होते हैं वो तो एकदम जरा सा भी अतिचार दोष नहीं लगने देती, इतना बाह्य शुद्ध चारित्र पालन करते हैं कि उसके बल से नव ग्रेवेक तक में पहुंच जाते हैं, फिर भी उनकी कभी भी मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन वो कभी भी नहीं पा सकेंगे, ऐसी उनकी अयोग्यता अपात्रता कुदरती रूप से ही है। देखो मूंग होते हैं ना, मूंग दो प्रकार के होते हैं, एक मूंग तो जो सामान्य रूप से जो हम लोग खाते हैं सब लोग, उसको गर्म पानी में थोड़ा उबालो तो तुरंत नरम हो जाते हैं, पक जाते हैं और फिर खाए जाते हैं, लेकिन दूसरे जो होते हैं वो उनको उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंकटु, संस्कृत में कंकटु शब्द है, हमारे गुजराती में कोल्डू मग भी कहे, कोयड़ा जो भी कहो आप, वो सबको मालूम है ना, कितना भी उसको गर्म पानी में उबालो लेकिन वो ऐसे के ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही कठिन रहेगा, कभी भी नरम होगा नहीं। इसके ऊपर से हमको एक पहेली का अभी बच्चों के लिए याद आ गई तो बोल लू मैं, कच्ची है तो कच्ची में क्या करें, ऐसा क्या है कि कितना भी उसको सुखाओ फिर भी वो नीला ही नीला रहता है, नीला माने ऐसे तो आर्द्र गीला, हिंदी में गीला कहेंगे और गुजराती या कच्ची में नीला बोलते हैं, सुकाई सुकाई मरो तो ये नीला नीला, तो कितना भी सुखाओ धूप में फिर भी वो नीला ही नीला रहता है, वो क्या, वो क्या, कितना भी कितने भी कड़ी धूप में आप सुखाओ फिर भी वो नीला ही नीला। नीला का दो अर्थ होता है, नीला माने हरा, ग्रीन कलर का, वो क्या, अभी बोलो, अभी बात चली मग की, मग को कितना भी सुखाएंगे वो उसका हरा रंग तो जाएगा नहीं जाएगा,
और दूसरा कच्छी में वो नीला माने गीला आर्द्र बिना बिना तो गीला होता है वो तो सूख जाता है, लेकिन कलर जिसका नीला है कुदरती वो तो जाएगा नहीं कभी। तो उसी प्रकार से कितना भी उसको कंकुट कोरडू मग होता है उसको आप गर्म पानी में उबालो फिर भी वो कठिन ही रह सका, सीझेगा नहीं पकेगा नहीं। तो अभव्य जीव ऐसा होता है वो कभी भी उसको उसका सम्यक दर्शन नहीं होता, इसीलिए इसका कभी मोक्ष भी होता नहीं है। तो सम्यक दर्शन की व्याख्या हमने क्या कर की थी, किसको कहेंगे सम्यक दर्शन, मिलता है बाजार में कहाँ? तो सम्यक दर्शन क्या चीज है, लेकिन क्या है आत्मा? शाबाश। और अभी हम मुख्य रूप से निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि अपन शरीर नहीं है, शरीर का नाम जो मिला है वो व्यवहार चलाने के लिए भले ठीक है, लेकिन वास्तव में हम फलाना भाई बहन महाराज वगैरह नहीं है, वो तो टेम्पररी है कुछ सालों के लिए है, फिर तो दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरा नाम बदल जाएगा, पहला कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, एक पूरा शरीर अलग हो जाएगा, मनुष्य भी हो सकते हैं, देवता नारी के तीर कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारा ये हमारा परमानेंट स्वरूप नहीं है, हमारा जो परमानेंट हम तो आत्मा है, शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है, अजर अमर अविनाशी है, और वो हम हैं, लेकिन अभी शरीर को हम अपना खुद मान रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या आत्मा। सम्यक दर्शन का अपोजिट शब्द क्या है, मिथ्या दर्शन, विपरीत दर्शन, विपरीत मान्यता। कुछ व्यावहारिक उदाहरण से समझे कि जैसे दूर कुछ पड़ा था, धूप में देखा चमक रहा था, तो लगा कि अरे एक सरदार जी थे ऊपर रहते थे बिल्डिंग में, नजर की नीचे तो कुछ चमकता दिखा, लगा चांदी का टुकड़ा है, तो जल्दी मैं ले जाऊं, दूसरा कोई ले उससे पहले मैं ले लूं, दौड़े दौड़ते दौड़ते नीचे उतरते गए, एक वाला दूसरा वाला उतरते गए, दिखते गए, फिर बालकनी से कोई ले उठा तो नहीं गए, हाँ पड़ा अभी पड़ा अभी पड़ा अभी मैं जाऊं जल्दी जाऊं, दौड़ते गए, सांस चल रही है, दूसरा कोई ले जाएगा जल्दी मैं ले लूं, ऐसे करते करते मुश्किल से कितने माले उतर के पहुंचे, जैसे नजदीक में गए देखा तो क्या था, पूछ था बाटली का भी पूछ आते एल्यूमिनियम का उसका चमकता है थोड़ा, तो धूप में लगा कि चांदी जैसे है, चांदी का सिक्का पड़ा है, लेकिन था बूझ बाटली का, तो बेचारे निराश हो गए। तो मिथ्या दर्शन, वो था बाटली का बूझ, लेकिन दर्शन क्या हो रहा उनको क्या दिखाई दिया कि चांदी का टुकड़ा, ये है मिथ्या दर्शन। जो वस्तु जिस प्रकार से है वैसा न देखें और कुछ दूसरा ही उसमें देख ले मान ले तो विपरीत दर्शन मिथ्या दर्शन हुआ। रेलवे की पटरिया होती है ना, रेलवे की पटरिया आप ऐसे देखेंगे दूर दूर तो क्या लगेगा कि जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आ रही है आगे चल करके, वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं हो, एकदम समांतर ही होते हैं ना, लेकिन हमारी आंख ऐसी हमको क्या दिखाती है, कई बार हम कहते हैं अरे मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है इसने ये ऐसा किया है, अरे सगी आंख भी कभी भूल कर सकती है। आकाश में देखो चांद, रात को देखो चांद, पूर्णिमा चंद्र हो कितना दिखता है, इतना दिखता है क्या, इतना होता है चंद्र, इतना होता है क्या, इतना बड़ा होता है फिर भी आंख से दिखता है, इतना दिखता है, दूरी होने के कारण ऐसा लगता है, तो वो भी भ्रांत दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन हुआ। ये व्यावहारिक उदाहरण समझने के लिए, तो इसी प्रकार से हम तो आत्मा है फिर भी अनादिकाल से ये शरीर जड़ नाशवंत शरीर को हम अपना खुद की जात मान ली है, ये है मिथ्यात्व कहो या मिथ्या दर्शन कहो। और जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया, मैं और मेरा, मैं हूं आत्मा और शरीर को मैं मान रहा हूं, और मेरा क्या है वास्तव में जो हमेशा मेरे साथ रहे वो मेरा कहा जा सकता है, कुछ दिन के लिए रहे फिर चला जाए तो फिर वो मेरा कैसा। तो जो भी आप हम लोग इकट्ठे करते हैं, मकान बनाते हैं, परिवार, ये मेरा मेरा, मेरे दादाजी, दादाजी हमेशा रहेंगे साथ में, हमेशा तो पोता रहेगा उनका, फिर मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी बैंक बैलेंस, वो सब इधर का इधर रह जाने वाला है, एक परमाणु भी साथ में चलने वाला नहीं है, फिर भी जीव समझते हुए भी जैसे बिल्कुल जब नहीं समझता ऐसा ही जीवन जी रहा है। और वास्तव में जो खुद अपना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसके लिए तो बिल्कुल उपेक्षा, उसके सामने देखता भी नहीं है, उसका विचार भी नहीं करता है, केवल अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति आदि अनंत गुण, वो वास्तविक में हमारा सच्चा धन है,
लेकिन अभी मालूम नहीं है, अभी कभी सुनते हैं तो सुन लिया, जैसे निकाल लिया, कोई इतना एट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अभी कोई ज्योतिषी आकर के आपको बताए कि आपके घर में एक जगह पे क्या है, आपके वड़ील दादा वो सोना मुहर का इतना बड़ा गड़ा रखा रख के चले गए हैं, वो है मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? अगर मानो वो व्यक्ति एकदम आपको लगे कि विश्वसनीय है, तो फिर तो पूरा घर खोद डालेंगे गहराई तक। तो हम तीर्थंकर भगवान कहते हैं, वो हम केवल नहीं कहते, तीर्थंकर भगवान, उन्होंने अनुभव किया अनंत केवल ज्ञान दर्शन आनंद शक्ति का, और साथ में ये देखा कि सभी जीवों में ये पड़ा है ये खजाना, लेकिन मालूम नहीं है, इसीलिए भटक रहे हैं संसार की गलियों में, भीख मांग रहे हैं सुख की। उन्होंने मार्ग बताया वो खजानों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो आज सोचना था लेकिन समय अभी हो रहा है। तो समझ में आया पहले सम्यक दर्शन, तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो उसकी अनुभव पूर्वक की श्रद्धा। अभी हम थोड़ा मानते हैं तो शास्त्रों द्वारा सुन करके मानते हैं, गुरु महाराज के मुख से सुन करके मानते हैं, लेकिन अनुभव तो नहीं किया है ना। और अनुभव हो सकता है, अनुभव किसी को भी हो सकता है, चारों गति में हो सकता है, भगवान ने कहा है, न केवल मनुष्य को, देवता को भी हो सकता है, पशु पंछियों को भी हो सकता है, नरक गति में भी कभी कभी हो सकता है। राजमार्ग तो ये है कि मनुष्य गति में ज्यादा संभावना है, लेकिन दूसरी तीन गति में भी हो सकता है, लेकिन आज तक प्राय करके हम नहीं पा सके हैं, इसीलिए चारित्र इतनी बार लिया, पुण्य जरूर बांधा, स्वर्ग में भी अनंत बार जाके आए, लेकिन संसार परिभ्रमण कम हुआ नहीं। इसीलिए अगर इस जन्म को वास्तव में हमें सार्थक बनाना है, तो ये सम्यक दर्शन को समझ करके, किसी प्रकार से हमको ये सम्यक दर्शन पा करके ही रहना है, इसके पहले नहीं मरना है। जल्दी से जल्दी ये सम्यक दर्शन माने हमारा खुद का अनुभव, हम कौन हैं वो जानना है। सुन करके मान तो लिया है, भले अभी शुरुआत में मानना थोड़ा भले जरूरी है, लेकिन मान करके संतोष मान करके अटकना नहीं है। ऐसे कहते इतना आनंद होता है आत्मा में कि वो मैतारज मुनिवर देखा है ना, पूरा मासिक श्रमण के पारण में उनको कैसा मरणांत उपसर्ग हुआ, फिर भी क्षमता रख पाए, क्योंकि आत्मा का अनुभव किया था, वो आत्मा के बंकर में चले गए। आजकल जब युद्ध होता है ना, त्रासवारी कई बार बम फेंकते हैं, तो सैनिक लोग क्या करते हैं, वहां पर मजबूत सीमेंट वगैरह कैसे बंकर बनाए जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर बम गिरेगा तो भी कुछ होगा नहीं। तो ये महापुरुष जो होते हैं ऐसी साधना करके तो आत्मा रूपी बंकर में अपनी चित्त वृत्ति को लीन कर देते हैं, आत्मा के आनंद में एकदम घर का लीन हो जाते हैं, तो फिर ये शरीर को कुछ भी कोई करे, चाहे काटे, चाहे जला दे, चाहे उसको घाणी में पील दे, कुछ टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो भी उनको असर नहीं होता है, दुख नहीं होता है। इतना ऐसा आनंद हमारे सभी के भीतर में पड़ा हुआ है, लेकिन मानने में नहीं आता इतना, ये तो महाराज कहते हैं हो तो क्या होगा, और अनुभव हो सकता है उसका, भले संपूर्ण नहीं तो आंशिक रूप में भी उसका अनुभव इस काल में भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आत्मा का अनुभव वही हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। बाकी कितना भी तप त्याग भले करो, जरूर करने योग्य है, लेकिन संतोष नहीं मानना चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक समझना चाहिए कि अभी हम जीरो हैं, अभी हीरो नहीं बने हैं, आगे अंक नहीं लगाए, तो जीरो कितने भी होंगे तो उसकी क्या ज्यादा मूल्य है। तो पहले एकड़ एक सीखना है, अभी हम धर्म की केजी में या प्ले ग्रुप में है, प्ले ग्रुप में उम्र भले कितनी भी बड़ी हो गई हो, और कितने सारे तपस्या वगैरह कर लियो, अनुष्ठान कर लियो जिंदगी में, फिर भी हमें खुद के लिए अपने के समझना चाहिए। दुनिया भले कितनी भी तारीफ करे, फलाना कितने विद्वान है, त्यागी है, तपस्वी है, लेकिन हमको समझना चाहिए हम तो अभी 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 एक भी रेकड़ा लिखना भी नहीं आता है, अभी तो ईटे कर रहे हैं हम तो। याद आता है बचपन अपना केजी में थे तब तो कितनी स्लेट तोड़ी होगी, स्लेट पेन तोड़ी होगी, बट तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके एकड़ एक आ गया ना, अभी तो फटाफट लिख डालते हो, बराबर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
हाँ, तो इस प्रकार से हम भी अभी प्ले ग्रुप में समझ लो ही है, कितना भी कुछ करते हो, जब तक एकड़ा सम्यक दर्शन माने अपने खुद का अनुभव, वो कैसे कब हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें उसका भी तीसरा पाठ अग्रे वर्तमान, जिन्हें गलत कुछ भी बोला गया हो हार्दिक निच्छामि।